रूरल के अध्यक्ष डॉक्टर हरी सिंह जी, बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेतागण, सबका एमएलए एमएलसी सेवादल के चेयरमैन हमारे भाई विजय शर्मा जी, एनएसपी के हमारे साथी स्टेट प्रेसिडेंट तो आज अजय जी हमारे बीच में हैं, ब्लॉक अध्यक्ष और सेवादल की महिला की तमन्ना की बात सभी साथ में पास करना, पास करना। मैं भी आपकी पास से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं, मैं नेहरू जी को अपनी अच्छी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ कि आज के दिन नेहरू जी दुनिया को छोड़ कर चले गए, सभी साथियों ने जो अपने अपने विचार इनके बारे में रखे, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि उनकी विचारधारा इस कांग्रेस के अंदर दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। कि जिस तरीके के साथ मनुवादी शक्तियां जो एक कांग्रेस का एक नारा रहा सद्भावना का, सभी धर्मों को साथ लेके चलने का, सभी वर्गों को साथ लेके चलने का, और मुझे एक सीनियर साथी की बात याद आ रही है कि यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आरएसएस की सोच विचार रखते हैं, अपनी सोच जिनकी आरएसएस की सोच है वो आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं, जो नहीं चाहते कि जो नीची जाति के लोग हैं, जो जो अपने भाई हैं जिनकी बदौलत नेहरू जी ने गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस सोच के लोगों को आज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम जो सच्चे सिपाही हैं इस कांग्रेस की, जो इस सोच के सिपाही हैं कि नेहरू जी और गांधी जी की सोच को मरने नहीं देंगे, कांग्रेस की सोच को मरने नहीं देंगे, हम आज भी उन भाइयों के साथ खड़े हैं, चाहे वो पद पे रहे चाहे पद पे ना रहे। और हमें सोचना पड़ेगा इस कांग्रेस को अगर हमें जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है तो सभी वर्गों को लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सभी साथियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। समय की पुकार है कि हम सभी साथी, और अरविंदर जी की आपकी बरसना भरस है, आपको मुबारक, लेकिन ये बात कहनी बहुत जरूरी है जो पिछले कई दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा।